सो व्हाट्स अप लवली पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं आपका अपना एडवोकेट रॉय। तो आप लोग सब कैसे हो दोस्तों? तो देखो, आज पता है मैंने ना कल रात मैंने अपना करवाया था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वैक्सीन करवाने के लिए, तो मेरा वैक्सीन आज अप्रूव हो गया है। तो मतलब आज मेरे को अभी जस्ट मैसेज आया था मेरे पास कि आपका वैक्सीन का मतलब जो भी आता है मैसेज, तो मैसेज मेरे पास आ गया था और सोच रहा हूँ जाके वैक्सीन लगवा लेता हूँ। तो मैंने पता है क्या सोचा, मैंने सोचा कि चलो आपको व्लॉग ही बना देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कैसा सीन होता है वैक्सीन का, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे ख्याल से लगवाया नहीं है। तो मतलब इतना मन था नहीं मेरे का रिकॉर्ड करने का, फिर मैंने सोचा चलो कर ही लेते हैं रिकॉर्ड और आपको भी दिखाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलते हैं अब और वैक्सीन का प्रोसेस दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ, देखो यहाँ पे वैक्सीन लगवाने, और मेरे जस्ट पीछे ही है सरकारी अस्पताल। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों आप जो मेरे पीछे जस्ट देख रहे हैं ना, ये जो लाइन लगी हुई है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो मैंडेटरी है। देखो रजिस्ट्रेशन, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप नहीं लगवा सकते टीका। तो मैंने तो देखो ऑनलाइन करवा लिया था, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे आऊँगा तो भीड़ होगी। और थोड़ा एक बार ये देख लो कैसी हालत है सरकारी अस्पताल की, देख रहे हो बिल्कुल जंगल हो रखा है यार। चलो खैर कोई नहीं, हो तो आजकल बरसात का टाइम है इसलिए हो रहा होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अंदर और मेरा नंबर आ गया, ठीक है। तो सबसे मेन इशू मेरे को लग रहा है, पता नहीं अंदर अलाउ होगा या नहीं होगा वीडियो बनाना। अब देखते हैं अंदर क्या करते हैं नहीं करते हैं। तो फटाफट पहनते हैं मास्क और चलते हैं अंदर। आ जाओ और कुछ बोलिए। तो गाइस मेरा नंबर आ गया, मैं जा रहा हूँ अंदर, ठीक है। आओ देखते हैं। बाहर जाके बैठ जाओ, बैठ जाओ। अगला नंबर जाओ। तो दोस्तों ये देखो, ये दो गोली भी मिली है मेरे को, ये भी लेना है, ठीक है। और डोज मेरा लग गया है, देखते हैं दिख रहा नहीं दिख रहा है। ये अगर दिख रहा हो तो दिख रहा है दोस्तों, थोड़ा फोकस देखो अगर होता है तो ये लग गया। तो फाइनली पहला डोज लग गया दोस्तों, मुबारक हो। और अब मुझे घर जाके दवाई भी लेनी है। अब बोला है देखो मैंडेटरी है या नहीं है ये नहीं पता मेरे को। तो पहला डोज तो मेरा हो गया कंप्लीट, अब जाता हूँ घर और घर जाके बताते हैं थोड़ा और डिटेल। तो दोस्तों फर्स्ट डोज तो मैंने ले लिया है, ठीक है। और मतलब थोड़े बहुत प्रिकॉशन जो आपको लेने हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो आप अगर जाओ तो हाइड्रेट जरूर रहना, ठीक है। पानी बहुत अच्छी मात्रा में पी के जाना, और जब वैक्सीनेशन हो जाए तो उसके बाद भी अच्छे मात्रा में पानी पीना और अच्छा खाना पीना खाना, ठीक है। और मतलब थोड़ा रेस्ट जितना हो सके उतना करना, धूप में अवॉइड करना, धूप में बाहर जाना अवॉइड करना थोड़ा सा। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये मैं दो दिन बाद शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा ना आपको पूरा एक्सपीरियंस देता हूँ, मतलब दो दिन मेरा मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, वो जो गोली मिली थी पैरासिटामोल वो तो मैंने ले लिया था, उसके बावजूद भी मतलब मेरे को बहुत लाइट सा रात के 4 बजे हल्का सा फीवर फील हुआ, बट कुछ ऐसा फीवर हुआ नहीं मेरे को। बट जो मेरे साथ जिसने लगवाया था उसको 104 बुखार आ गया था, और उसकी शरीर बहुत हैवी है, किसी में नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगा आपको। और क्या कहते हैं, जो सबसे मेन इफेक्ट उसका पता क्या हुआ, मतलब बॉडी हल्की सी थोड़ी बहुत पेन होती है, तो मतलब यही इफेक्ट है और ज़्यादा कुछ है नहीं। और जब आप लगाते हो ना मतलब वैक्सीन लगवाने के बाद, मैं तो सजेस्ट आपको यही करूँगा, 2-3 दिन आप
अवॉइड करना ड्रिंक्स या स्मोक जो भी करता है। बस इस ब्लॉग में फिर यही था, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।